हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम छवि। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ। मैं कोई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ये सब मेकअप से ही रिलेटेड है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप अपने ट्रैवल बैग में, अपनी मेकअप किट में क्या क्या रखें। अक्सर लड़कियों के पास बहुत सारा सामान होता है, मेरे पास भी बहुत सारा है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने साथ क्या लेके जाऊँ और क्या ना लेके जाऊँ। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे एक लिस्ट बनाया और जिसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी मेकअप किट में यही रखने वाली हूँ। और अगर जब मैं डिसाइड नहीं करती थी तो मेरे पास बहुत सारा सामान हो जाता था, जिसकी वजह से मेरा मेकअप किट जो था वो बहुत बड़ा हो जाता था और उनमें से मैं बहुत कम चीजें जो थी वो इस्तेमाल करती थी, बाकी सारी वैसे की वैसे रह जाती थी। तो मैंने इसे बहुत ही डिस्ट्रीब्यूट वे में और बहुत ही सीक्वेंस में मैंने इसे अरेंज किया और आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आई हूँ कि आप अपने ट्रैवल बैग में, मेकअप किट में क्या क्या रख सकती हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि हम जब बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ इस साइज की किट चाहिए। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होती है। इसमें तीन सेक्शंस जो है वो बने हुए हैं, इसका बिल अभी भी इसी के अंदर है। तो ये मेरे पास काफी टाइम से है। तो आप देखिए कि इसका साइज इतना है और जो नॉर्मल मेकअप किट्स होती हैं उनका यूजुअली साइज जो होता है वो ये होता है। तो आपको ये अवॉइड करना है और ये किट रखना है ताकि आपका जो कैरी बैग है वो हल्का रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी है तो आपके आधे से ज्यादा कैरी बैग में तो यही आ जाएगी, तो आपका कैरी बैग बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ इस तरह की लेनी है किट जिसमें थोड़े सेक्शंस बने हो, जिससे आप अपने सामान को ढूंढने में भी आपको मुश्किल ना आए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए। आपको अपनी कॉम्स चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं साथ साथ में रखती जाऊंगी ताकि आपको बताती जाऊँ कि आपको क्या क्या करना है। मैं सेंटर में से रख रही हूँ। इसके बाद आपको अपना सनस्क्रीन चाहिए, सर्दियां हो या गर्मियां। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो टैनिंग जरूर होगी, इसलिए आपको अपना सनस्क्रीन रखना कभी नहीं भूलना है। तो मैं ये सनस्क्रीन रख रही हूँ। इसके बाद आपको अपना मॉइस्चराइजर रखना है, लेकिन मॉइस्चराइजर के लिए आप इस तरह का कोई मिनिएचर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर इतना भी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती कि ये वाला छोटा पड़ जाए। तो ये इस तरह का कुछ मिनिएचर आप रख सकते हैं, या फिर घर पर आपके पास अगर कोई छोटा कंटेनर है तो आप बड़े वाले में से इसमें थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं और वहां यूज कर सकते हैं। अगर ये रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी किट भारी हो जाएगी, तो आप इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो हमने ये हमारा मॉइस्चराइजर रख लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको अपना प्राइमर जरूर रखना है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है, एंड मेकअप को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी फोटोज को क्लिक करना होता है, शूट करना होता है, तो हमें सुंदर दिखना जरूरी है और इसके बिना वो पॉसिबल नहीं होता है। इससे आपके मेकअप को एक कोटिंग मिलती है जिससे आपका मेकअप जो है वो बहुत बढ़िया बनता है। तो ये रखना आपको बहुत जरूरी है। ये रखिए हमने अपना प्राइमर। इसके बाद अगर हमारे पास मिरर नहीं होगा तो मेकअप कैसे करेंगे, नेवर नो आपके पास वहां मिरर में आपको मिले या ना मिले। बाहर अगर आपको कहीं सेट करना पड़ गया तो आप कैसे करेंगी, इसलिए आप अपना मिरर जरूर रखें। तो ये हो गया मिरर। इसके बाद आपको अपनी फाउंडेशन अपने पास रखनी है कुछ इस तरह की, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन बॉक्स में है तो आप इसको बॉक्स में से निकालिए और सिर्फ इसका जो ये है पंप बॉटल है इसी को आपको अपने पास रखना है। तो ये रख लिया मैंने बॉटल। इसके बाद आप अपना हाइलाइटर रख सकते हैं कुछ इस तरह का। ऐसे हाइलाइटर्स मत रखिए जिसमें सिर्फ सिंगल कलर है, कुछ तीन या चार शेड्स वाले हाइलाइटर आप अपने पास रखिए ताकि आप डिफरेंट अपने मेकअप जो लुक है वो क्रिएट कर सके। एक हाइलाइटर से आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए ये वाला रखिए इस तरह का कुछ। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको अपने मेकअप को सेट करने के लिए। फर्स्ट ये बहुत जरूरी है, सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट जरूर चाहिए। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं, तो आपको कॉम्पैक्ट रखना है। ये हमने रख लिया कॉम्पैक्ट। इसके बाद बहुत ही बेसिक है कंसीलर। आपको अपना कंसीलर रखना नहीं भूलना है, लेकिन कुछ इस फॉर्म में छोटे कंसीलर। आप बड़े वाली किट्स मत रखिए, इस तरह का कुछ एक कंसीलर रखिए जो आपकी स्किन टोन से मैच करता हो। इसके बाद आपको अपना काजल रखना है, अपना लाइनर रखना है और मस्कारा रखना है। इसके बिना हमारी आईज जो है वो अधूरी है, इसलिए ये तीन चीजें रखना कभी नहीं भूलना।
तो ये रख लिया हमने अपना काजल, मस्कारा। इसके बाद आपको इस तरह से पिंस रखनी है कुछ। कई बार हमें अपने बालों को टाई करना पड़ जाता है या फिर अपना कोई हेयर स्टाइल बनाना है तो आपको इस तरह की पिंस लेना बहुत जरूरी है। बॉबी पिंस रख सकते हैं, लेकिन बॉबी पिंस हर एक को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरह की पिंस रख सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के एक बॉक्स में आपको सेफ्टी पिंस भी रख लेनी है, जो बहुत जरूरी होती है। कई बार कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी ड्रेसिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ भी टूट जाता है, तो हमें इन सेफ्टी पिंस से बहुत ही सेफ्टी मिलती है। तो इसलिए इस तरह के छोटे बॉक्स में आप अपनी पिंस और सेफ्टी पिंस दोनों रखते हैं। इसके बाद आपको अपने पास रबर बैंड जरूर रखना है। मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है, आप गर्मी वाली जगह पे गए हैं, तो आपको अपने बालों को टाई करना है, तो ये रखना बहुत जरूरी है। आप अपने कलर ड्रेस मैचिंग से भी रख सकते हैं, या फिर न्यूट्रल यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट और समथिंग लाइक दैट, इस तरह के रबर बैंड रख सकते हैं। इसके बाद आपको कॉटन बॉल्स जरूर रखने हैं, या कॉटन आपके पास जो भी है, मार्केट में इस तरह के कॉटन बॉल्स जो है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप ये रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नॉर्मल कॉटन है घर से, तो उसे भी कवर करके अपनी किट में आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मेकअप उतारना भी तो है, उसके लिए आप अपना फेस अच्छे से धो लेते हैं और टोनर का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि डेली डेली जब हम मेकअप करते हैं तो हमें अपना फेस साफ रखने के लिए टोनर की जरूरत पड़ती है, तो इसे जरूर अपने पास रखिए ताकि आपकी स्किन जो है वो खराब ना हो। तो हम अपना टोनर भी रख लेते हैं। इसके बाद अपनी एक्सेसरी रख लेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह का पैकेट ले लें एंड उसे अलग अलग सेक्शन में इस तरह से अपनी एक्सेसरी को रख लें। तो मैंने अपनी एक्सेसरी रख ली। इसके बाद एक चीज तो रह गई, आई शेडो पैलेट। आप इस तरह का कोई आई शेडो पैलेट भी अपने मेकअप किट में रख सकते हैं। ये तो वैसे हमारे कैरी बैग में भी आ जाएगी, लेकिन आप अगर मिनिएचर फॉर्म में आपको आपके पास कोई पैलेट है यानी कि इस तरह की, तब वो भी रख सकते हैं। तो इसके बाद खत्म नहीं हुआ है, मैं आप ये सब कुछ किट में ही डाल रही हूँ अगर आप देखेंगे तो। तो इसके बाद आपको रखने हैं ब्रशेस, लेकिन ब्रशेस आपको सेफली एक साइड पर रखने हैं, क्योंकि ताकि इनके ब्रिसल्स जो हैं वो खराब ना हो। मैंने बाकी दोनों सेक्शंस फिल किए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें अपने ब्रशेस रखने थे ताकि इनके ब्रिसल्स जो है वो खराब ना हो और एक ही साइड पर ये रहे। इसमें मेरा फाउंडेशन ब्रश, ब्लशर ब्रश, आईलाइनर ब्रश एंड बहुत सारे अलग तरह के ब्रशेस हैं जो मैंने रख लिए। इसके बाद लिप्स को कैसे भूल सकते हैं, तो आपको अपनी मैचिंग लिपस्टिक्स जो है वो रख लेनी है, जो भी आपकी ड्रेसेस के साथ मैचिंग है, आपकी फेवरेट्स है, तो आप ये रख सकते हैं। तो इसे डालते ही हमारी मेकअप किट हो गई कंप्लीट। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेवल मेकअप किट बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे एसेंशियल चीजें आ गई हैं जो भी मैंने डाली हैं, एंड सब कुछ इसी में ही है। ये देखिए बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं हुआ है और अननेसेसरी कुछ भी नहीं गया है। तो इस तरह से आप अपनी मेकअप किट जो है वो बना सकते हैं जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज, आपको कुछ भी ऐसे पे नहीं करना पड़ता है, तो बिल्कुल फ्री है एंड मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं अगर आप लाइक करते हैं। कुछ लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक करने से मुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टिल देन बाय बाय, मेरी अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज लाने वाली हूँ।